वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए जहां देश और दुनिया जंग लड़ रही है, वहीं बहुत से लोग स्वेच्छा से सरकारी खजानों में धनराशि भी मुहैया करवा रहे हैं। कांगड़ा जिला परिषद के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल ने आज की पीढ़ी के कई नेताओं के सामने नसीहत पेश करते हुए अपना मासिक मानदेय मानवता के कल्याण के लिए अनिश्चितकाल के लिए त्याग दिया है। जिलाधीश राकेश प्रजापति को इस संबंध में एक एफिडेविट भी उनकी ओर से सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपना मासिक मानदेय भत्ता अनिश्चितकाल के लिए सरकारी खजाने में जमा कराने की पेशकश करते हैं, जिससे सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान की जाए। विशाल चंबियाल ने बातचीत के दौरान बताया कि वो नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेहद प्रभावित है, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना मासिक वेतन भी त्याग दिया है, तो उनके पास जो कुछ भी है वो भी उसे जन कल्याण के लिए सरकार के खजाने में जमा करवाने की इच्छा रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला लिया। ये मैंने अपनी स्वेच्छा से फैसला लिया है कि मैंने जो मानदेय समर्पित किया है, जब तक ये कोरोना COVID-19 जो है महामारी जो पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल में भी फैली है, ये जब तक रहेगी तब तक मेरा मानदेय सरकार को पूरे का पूरा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा बाकी के लोग भी करें, क्योंकि इस समय हम सबको आगे आना चाहिए। इसमें कोई सरकार का वो नहीं है कि क्या सरकार कौन सी है या कौन से लोग हैं। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमने मदद करनी है, जो गरीब जनता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करनी है। और इसकी प्रेरणा जो है मुझे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि माननीय विधायक हैं नदौन से, उनसे मिली। उन्होंने दो दिन पहले जो है अपना ये जो पैसा है, अपनी पे है, उसको पूरा का पूरा जो है सरकार को दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ पूरे हिमाचल के लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी, तो मुझे उनसे जो प्रेरणा मिली, मैंने भी आज वो फैसला लेके आप लोगों के माध्यम से आज DC साहब को दे दिया है। जी, मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर इकट्ठे होकर, कोई किसी को ऐसे कोई पार्टीबाजी ना करके, सब इकट्ठे होकर इस महामारी से इकट्ठे होकर लड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो है इससे निजात मिल जाएगी। डिस्टेंसेस बना के रखिए, अपने हाथों को धो के रखिए, बार बार हाथ धोइए, और ये जो भी चीज़ें हमें गाइडलाइन आए समय मिलती रहती है। आज DC कांगड़ा जो है प्रजापति जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका मैं बोलता हूँ कि दिल से सलूट है इनको। ऐसे लोग हैं SP कांगड़ा जो हमारे विमुक्त रंजन जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ऑफिसर हैं। इसी तरह हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं और सभी लोग जितने भी NGO हैं, वो सब अपने अपने स्थान पर जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं उन सब भाइयों को दिल से सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो सब भी तंदुरुस्त रहें, ठीक रहें, क्योंकि मेरे आप लोग प्रेस भाई जो है हमारे, आपको भी जगह जगह जाना पड़ता है। आज प्रेस जो है अगर ये इतने आंकड़े या ये चीज़ें ना बताए तो लोगों तक तो ये बात पहुँचेगी नहीं, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि ये महामारी क्या है। और मैं एक बात और सभी को बताना चाहता हूँ कि ये अभी तक ना बीमारी ठीक हुई है, और जल्द ठीक होने के इसके चांस अभी मैं कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें ये सब सोच कर हमें जो है हर कदम उठाना चाहिए कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकें। धन्यवाद, थैंक यू। आपको बता दें कि विशाल चंबियाल कांग्रेस किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कई मर्तबा पंचायती राज संस्थाओं के 3-tier सिस्टम के जरिए अपनी सेवाएं भी देते आ रहे हैं। ग्राउंड स्तर से राजनीति की शुरुआत करने वाले विशाल चंबियाल आज अपना जिला परिषद के उपाध्यक्ष को मिलने वाले मासिक मानदेय का त्याग कर जनता के नजर में जहाँ अपना कद बढ़ाया है, वहीं राजनेताओं को भी एक नसीहत पेश की है।